किसान संघ के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। आगरा में आज भारतीय किसान संघ द्वारा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान संघ द्वारा समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी दिए जाने एवं MSP से कम पर खरीद गैरकानूनी घोषित करने और कृषि अध्यादेश में संशोधन किए जाने के संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान संघ के ब्रज प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर ने बताया कि आज सभी प्रदेश में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सरकार से मांग की जा रही है कि जो सरकार द्वारा कृषि कानून पर MSP लगाया गया है उसे वापस लिया जाए, अन्यथा किसान उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। विनोद कुमार, आगरा, समाचार 24। सरकार जो कृषि अध्यादेश लेकर के आई है, उन अध्यादेशों में किसानों के हित में काफी खामियां हैं। भारतीय किसान संघ आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके मांग कर रहा है सरकार से कि MSP की कानूनी गारंटी सरकार कानून में प्रावधान करे और जो खरीद है उस खरीद को कानूनी गारंटी के साथ दे। खरीद से नीचे अगर खरीद होती है MSP से नीचे तो उसे गैर कानूनी घोषित किया जाए, ये किसान संघ का प्रावधान करने की कानून में मांग किसान संघ आज कर रहा है। इसके साथ साथ जो मंडियों से बाहर व्यापारी कृषि उपज खरीदेगा उन व्यापारियों का राज्य और केंद्र स्तर पर पंजीकरण होना चाहिए, उसकी जानकारी किसानों को सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे किसान के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। इसके साथ साथ पराली का जो अध्यादेश आया है सरकार लेके आई है, जिस पराली अध्यादेश में बहुत बड़ा जुर्माना किसानों के ऊपर और जेल तक का प्रावधान किया गया है, उस अध्यादेश को सरकार वापस ले। ये कानून किसानों का उत्पीड़न करने वाला कानून है। इसके साथ साथ कृषि संबंधित जो विवाद हैं होंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा या फिर मंडी के बाहर जो खरीद व्यापारी करेगा उसमें जो किसानों के साथ विवाद होते हैं, उन विवादों के लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि किसान अदालत नहीं जा सकता। इसलिए सरकार को हर जिले में स्वतंत्र कृषि न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए और एक महीने के अंदर किसान को न्याय मिले ऐसा प्रावधान कानून में सरकार करे, ये मांग लेकर के आज भारतीय किसान संघ आगरा कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके सरकार को ये चेतावनी देना चाहता है कि सरकार जल्दी से जल्दी इन कानूनों में शामिल करे इन मांगों को, जिससे किसानों को राहत मिल सके।